नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आई 24 न्यूज। इस समय मर्चरी हाउस में मौजूद है कल्पना चावला के। और आपको बता दें कि करनाल के पास ही पड़ने वाले गांव समस्तीपुर के अंदर जो है एक बड़ा हादसा हो जाता है। कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास जो है यहां पर शव लाया जाता है। और आपको बता दें कि एक 21-22 साल का एक लड़का जो कि बाइक पर जा रहा था, और उसके बाद एक हादसा हो जाता है जिसमें बता रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल जो कि सामने की तरफ से आते हुए टकरा जाती है। उसके बाद शिवम नाम का जो लड़का है वो बाइक से गिर जाता है, और सामने की बाइक से भी कुछ 3 उसमें युवक थे जो गिर जाते हैं। और उसके बाद पीछे से आ रहा है एक बड़ा डंपर जो है वो शिवम के ऊपर चढ़ जाता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उनके कुछ गांव के ही लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? पवन कुमार है सर। आप गांव से ही हैं? हाँ जी, गांव से। तो शिवम कितनी उम्र थी शिवम की? लगभग 21 साल की उम्र थी सर। तो ये कैसे हादसा हुआ, कैसे था पहले सर? लड़का बाइक सवार था, बाइक पे रहता उससे, और अचानक ही 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है। दो गाड़ियों की टक्कर से दो बाइक की टक्कर हुई आपस में। और टक्कर लगने के बाद जो आगे बाइक सवार थे अगले, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। ड्रिंक करने के बाद वो कच्चे में गिरे, हमारा लड़का जो बच्चा था शिवम ये पक्के में गिरा। जैसे ही डंपर आए, डंपर के नीचे की चपेट मारने से उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी सर। मौके पे ही मौत हो गई। और प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। पुलिस वालों ने पता नहीं उनको जो जिनका चोट लगी थी दूसरे वाले बंदों का, जो नचरोन से बताए गए हैं, उनका भी हमें ये नहीं पता कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। और प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी अभी सुझाव नहीं मिल रहा। पूरा परिवार का रो रो के बुरा है सर। और आपकी टीम से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जी इस बच्चे के साथ मतलब प्रेम पूर्वक जो कार्रवाई होनी चाहिए भाई, ताकि परिवार और परिजनों को कोई अच्छी सहायता मिल सके, मुआवजा मिल सके। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये जैसे शिवम आ रहा था, तो जैसे सामने जो बाइक पे 3 लोग सवार बता रहे हैं कि ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। हाँ, जो 3 बंदे थे अगले ट्रिपलिंग थे और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी काफी सारी। और उन लोगों का क्या वो लोग भी, उनको भी चोटें आई सर? उनको चोट है, लेकिन उनको प्रशासन ने या पुलिस वालों ने ये नहीं पता कहाँ एडमिट कराया। अच्छा। और कहाँ नहीं कराया जी अभी। और अब मैंने बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं जी, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। और अभी मर्ची और जो डंपर वाला है वो डंपर वाला मौके से भाग गया था जी, उसका कोई हमारे पास कोई प्रूफ कोई सबूत नहीं है। कोई नहीं है? नहीं सर। तो आसपास कोई सीसी कैमरा भी है जिससे पता चल पाए? सर वहाँ पे कैमरे हैं सर, दो कैमरे लगे हैं। हाँ, दुकानें भी हैं, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हादसा बता रहे समस्तीपुर के अंदर, समस्तपुर और इसके बीच में एक पुलिया पड़ती है जी, वहाँ पे हादसा हुआ जी। वही हादसा हुआ। और डबकोली कला का रहने वाला है? डबकोली कला का लड़का रहने वाला जी। पिताजी पहले एक्सपायर हो गए थे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, और बस परिवार में बहुत ज्यादा दुख का सबक बना हुआ है। परिवार में माँ है उनकी? उनकी मम्मी है जी, बस वो बहुत तंग है जिस टाइम, बस कह नहीं सकते सर इस मामले में। जी 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 जी। आप भी उनके पड़ोस में ही रहते हैं? पड़ोस में जी, भतीजा लगता था हमारा, भाई लगता था। भतीजा लगता था आपका? तो आपके पास तस्वीर भी होगी शिवम की? तस्वीर है सर शिवम की। तो आपको शिवम की तस्वीर दिखा दें, छोटी सी उम्र का शिवम, जो कि आपको मैं यहाँ पर तस्वीर दिखा दूँ। ये आपको बता दें कि पढ़ता था, तो उनके कुछ दोस्त भी हैं, उनसे बात करते हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ता था? कॉलेज में पढ़ता था ये? तो आपके साथ ही पढ़ता था? नहीं जी नहीं, ये अकेले जाता। अभी भी पढ़ता था कुछ? पढ़ता था जी। तो ये जब जैसे हादसा हुआ था, तो अभी ये कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था? ये अपनी बुआ को छोड़ने जा रहा था जी, गढ़ बीरबल के पास गांव है। अच्छा, गढ़ी बीरबल के पास गांव है, वहाँ से वापस आ रहा था। वापस आ रहा जी, था अंधो नहीं हुआ जी। अच्छा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि तो FIR वगैरह भी अभी करवा दी हुई है? अभी FIR तो करवा दी है शायद जी, FIR करवा दी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि छोटी सी उम्र का लड़का जो कि घर को वापस जा रहा था अपनी बुआ को छोड़कर, और उसके बाद जो है एक सामने से एक बाइक वाले आते हैं, उनसे टक्कर होती है, उसमें 3 लोग सवार थे। उसके बाद वो कच्चे रास्ते पर गिरते हैं, ये पक्के रास्ते पर रोड पर गिरने के बाद पीछे से आ रहा जो है एक बड़ा डंपर जो है ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां गया, क्योंकि वो रुका नहीं। और उसके बाद अभी फिलहाल मामले को दर्ज करवा दिया गया है कल्पना चावला अस्पताल में, अभी जो शव है उसे लाया गया है। तो वाकई काफ़ी छोटी उम्र का लड़का जो है उसके साथ एक कितना बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिवार में उनके पिता नहीं है, माँ है उनकी घर पर, और उनका भी काफ़ी रो रो कर बुरा हाल है। और क्योंकि जो उनका बेटा था, माँ बाप को प्यारा होता है घर का सदस्य, इस तरीके से अचानक किसी काम से जाता है और अचानक से ऐसी खबर मिले तो दुख जो है वो किस तरीके से निकल कर आता है। तो यहाँ पर यही कहेंगे, इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल पुलिस जो है अभी FIR दर्ज कर दी गई है। लोगों ने कहा आसपास कुछ दुकानें हैं जहाँ पर CC कैमरा लगे हुए हैं, जिनसे ये पता
लग सकता है कि आखिर वो डंपर वाला कौन है जिसकी गाड़ी के नीचे आ गया। हालांकि फिलहाल इस मामले को किस तरीके से देखा जाएगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल परिवार जो है वो यही है क्योंकि गरीब परिवार है और कुछ ना कुछ हम भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ मुआवजा ज़रूर मिल सके, लेकिन फिलहाल इसके अंदर ये भी देखने वाली बात होगी कि किस नज़रिए से इस हादसे को देखा जाएगा, क्योंकि जो तीन लोग सवार हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि इन्हें पता नहीं है कि वो भर्ती कहाँ पर है। फिलहाल ये उम्मीद करते हैं कि परिवार जो है उसे हिम्मत जरूर मिले। तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।